हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। देखिए मैंने गैस के ऊपर चाय को चढ़ा दिया है और अब मैं चल देती हूँ आगे। देखिए चढ़ा दिए चाय और मेरी चाय निकल भी चुकी है, मतलब बनकर तैयार हो गई है। और चाय बनने के बाद में फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वह क्या क्या मैंने किया। हाँ, इससे पहले मैंने चाय को चढ़ा दिया था किचन वगैरह खोल कर और फिर मैं चल देती हूँ बाहर। देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब अभी तक तो धुंध है नहीं। आगे होती है या नहीं होती वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद में मैं पानी देख लेती हूँ। पानी आ चुका है, मोटर को मैंने चला दिया है और मेन गेट को खोलकर मैंने कोले सिला दिए हैं। और इस बीच जाकर मैं चाय को छान कर आ जाती हूँ, क्योंकि चाय मेरी वैसे भी गैस के ऊपर निकल चुकी है, बनकर तैयार हो गई है। और चाय मैंने दे दी है, मैंने अभी नहीं पिया। मैं तब तक मैं कोले सिला देती हूँ और फिर मतलब जो मेन गेट के आगे है वहाँ से धो देती हूँ। तब तक क्या है, मेरी चाय पीने लायक हो जाएगी। हाँ, गर्मियों में मतलब थोड़ी लेट उठती है, सर्दियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि मतलब ठंडी होने का मतलब ठंडी जल्दी हो जाती है। देखिए फिर मैंने मेन गेट के आगे से धो दिया है और फिर मैं चल देती हूँ अंदर। मतलब पानी की बाल्टी बार बार मतलब 2 या 2.5 बाल्टी डलती हैं, ज़्यादा नहीं डलती हूँ, उतनी डाल देती हूँ। और फिर मैं अपनी चाय पीने के लिए चल देती हूँ। चाय पी कर आती हूँ, फिर मैं करने लग जाती हूँ अपना अगला काम। अगला काम है मेरा पानी गर्म करना, क्योंकि मतलब आज गुन्नू की छुट्टी है, आज संडे है, तो गुन्नू को आज स्कूल नहीं जाना, तो पानी मैं मेरे लिए गर्म करूँगी। मतलब पानी गर्म करने का टाइम हमारा लगभग यही होता है और पानी लगभग मैं ही गर्म करती हूँ बाहर। मतलब मैं ही गर्म करती हूँ सुबह से ले जितना भी होता है, मतलब लगभग मैं ही करती हूँ। और मतलब फिर मैं पानी गर्म करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन काम है घर का, वो सबको करना पड़ता है, मतलब हाउस वाइफ को तो करना ही पड़ता है। और फिर ये देखिए मैंने सारा का सारा पानी डाल दिया, मतलब ज़्यादा नहीं डलता, 2 या 2.5 बाल्टी डलता है और उतना डाल देती हूँ। मतलब मैं बाथरूम के अंदर से पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि टंकी भर चुकी है तो ओवरफ्लो हो रही है, तो मतलब उसी में से पानी बार बार भर कर और डाल रही हूँ। और मतलब ओवरफ्लो इसलिए हो गई क्योंकि कल भी पानी मतलब टंकी के अंदर ज़्यादा यूज नहीं हुआ था, थोड़ा ही हुआ था, क्योंकि कपड़े थोड़े से ही धोए थे, ज़्यादा नहीं धोए थे। आज देखते हैं धूप निकल गई तो आज मैं पूरे कंप्लीट धो दूँगी, और यदि नहीं निकलती है तो देखते हैं, लेकिन आगे की कह नहीं सकते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, मैंने आग जलाने का काम शुरू कर दिया है और गुन्नू को स्कूल नहीं जाना, गुन्नू की आज छुट्टी है, संडे है, तो पानी मैं मेरे लिए गर्म कर रही हूँ। और पानी लगभग मैं इसी टाइम के ऊपर ही करना मतलब काम गर्म करना शुरू कर देती हूँ कि जल्दी से जल्दी पानी गर्म हो जाए और नहा धोकर मैं मेरा आगे का काम करना शुरू कर दूँ। मतलब सबके अलग अलग दिनचर्या होती है, मेरी यही है कि मैं पहले पानी गर्म करती हूँ, नहाती हूँ और फिर कुछ करती हूँ। यदि इस टाइम के ऊपर यदि गुन्नू को स्कूल जाना होता है तो गुन्नू नहा लेती है और उसके बाद में उसकी रोटी वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं खा बना मतलब नहा लेती हूँ। मतलब यही होता है। फिर आग जलाने में और पानी गर्म करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, ज़्यादा की तो कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब ठंडा मौसम है, मतलब लकड़ियाँ हैं ना सील जाती हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और फिर मतलब आग जलाकर फिर मैं आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि बहुत प्यारे नंदी जी दिख गए थे, रात की 2 रोटियाँ बची थी, वो मैं इसको दे देती हूँ। गौ माता की भी लेकर आती हूँ, लेकिन गौ माता तब तक रोड के ऊपर चढ़ जाती है। नंदी जी को रोटी देने के बाद मैं आग को मैं फिर एक बार फिर देख कर आती हूँ और मतलब जल रही या नहीं जल रही, फिर उसको ढक से मतलब ढंग से कर आकर फिर मैं मेन गेट के आगे से झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। कि मतलब लगभग दो मतलब डेली नहीं लगाते हैं, दूसरे तीसरे दिन मतलब 2 दिन का भी गैप हो जाता है, 3 दिन का भी हो जाता है, तो मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ और तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है। फिर मैं मेरा पानी निकाल कर नहा लेती हूँ। हाँ, सब के सब सो रहे हैं क्योंकि मतलब सर्दी है, तो मैं सुबह सुबह करें भी क्या, मतलब लगभग गर्मियों में भी सोते हैं, मतलब जब उनका काम शुरू होता है तो वो होते, मेरा काम जल्दी शुरू हो जाता है तो मैं मतलब फटाफट मेरे काम के ऊपर लगी रहती हूँ। और मतलब हाउसवाइफ का काम भी ये होता है कि वो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि मतलब कहते हैं कि भोर के समय मतलब भोर से पहले उठ लेना चाहिए, और तो मैं हमेशा ही भोर से पहले उठती हूँ। मतलब शादी से पहले मैं पढ़ाई के लिए उठती थी और अब मैं मतलब मेरे काम के लिए उठती हूँ। और फिर ये देखिए मेरा मतलब मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं लग गई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि गुन्नू को स्कूल नहीं जाना है, तो मतलब गुन्नू का जो टाइम होता है मतलब खाना बनाना, गुन्नू के लिए पानी गर्म करना, मतलब पानी गर्म करने वाला तो प्रोसेस वही होगी, मतलब खाना बनाना, चोटी बनाना, तो उस टाइम की बचत हो गई है। और उस टाइम के बीच में मैंने लगा दिया ऊपर झाड़ू और पोछा, मतलब कंप्लीट सफाई कर दी है ऊपर आज मैंने पहले। और उसके बाद में मैं करती हूँ मेरी ज्योत बत्ती, मतलब बस इस टाइम के ऊपर क्या हो, गुन्नू स्कूल जाती है तो गुन्नू का काम कर देती हूँ, यदि नहीं जाती है तो ऊपर की सफाई कर दी, ये काम मैं फिर दोपहर में कर लेती हूँ, मतलब वो अपने आप में एडजस्ट करती रहती हूँ। देखिए मेरे ऊपर की सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सब
तो साफ हो गया है, मतलब ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। मैं ये कहूँगी ज़्यादा गंदा हो जाता नहीं होता है, हाँ ये धूल वगैरह आती है वही है, क्योंकि न तो गुन्नू मतलब गंदा फैलाती है, न चेष्टा बाबू गंदा फैलाती है, और ये कपड़े कल के राख मतलब कल के धूपे हुए हैं, और मतलब चेष्टा बाबू के अंदर कर दिए थे वो वापस मैंने वापस सुखा दिए हैं, और इतने सारे कपड़े मतलब वैसे के वैसे फिर से सुखा दिए हैं। देखते हैं धूप निकलती है तो सूख जाएंगे, नहीं तो शाम को फिर उतार कर रख दूँगी, और ऐसे करके मतलब मेरी प्रोसेस चलता रहता है। और ये देखिए फिर मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता जिनकी भी मैंने पूजा का मतलब पूजा कर ली है, और इनकी मैं डेली पूजा करती हूँ, काफ़ी महीने हो गए हैं, और भगवान की दया है कि मतलब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। मतलब इंसान के चाहने से कुछ भी नहीं होता, मतलब भगवान चाहता है वही काम होता है। तो भगवान ने चाहा कि सुनील इसकी मतलब सुनील पूजा पाठ करे, तो पूजा पाठ को मतलब पूजा पाठ मैं शुरू से करती आ रही हूँ। मैं ये नहीं कहती मैंने छोड़ रखा है, लेकिन हाँ चेष्टा बाबू छोटा था तब मैंने छोड़ दिया था, मतलब चेष्टा बाबू पैदा हुआ था तब मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब उस टाइम के ऊपर मतलब हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि बार बार मतलब चेष्टा बाबू परेशान करता था। मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता ही कि कितना परेशानी हो जाती है, तो अब मैंने फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि चेष्टा बाबू अभी इतना बड़ा हो गया कि वो मतलब इतना तो नहीं करता है दुखी, लेकिन मतलब हाँ हैंडल हो जाता है। और फिर बाद में फिर ये देखिए मेरे बाबा जी को नहा नहला धुला कर तैयार कर दिया, सूर्य देवता को जल दे दिया था, तुलसी मैया को दे दिया था, मतलब मेरी पूजा कम्प्लीट हो गई, बाबा जी भी तैयार हो गए, बाबा जी को शीशा दिखा दिया, मैंने भी देख लिया, और आज है आखिरी दिन इस साल का, तो गुन्नू ने कहा सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए आज हम फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए, आज हमने बनाया जो भी बनाया घर पर बनाया, हमने बनाया बहुत सारी चीज़ें, हमने बनाए कोफ्ते, मतलब ये है गौ माता जिसकी कि पहले रोटी हमने गौ माता की थी वो हमने दे दी है, और मतलब आज बनाई हमने पूरी बनाई है, कोफ्ते बनाए हैं मतलब लौकी के कोफ्ते और लौकी के पकौड़े, मतलब कोफ्ते और पकौड़े एक ही जैसे हो जाते हैं, मतलब उसको सब्जी बनाओ तो कोफ्ते हो जाते हैं नहीं तो पकौड़े रहते हैं। और क्या बनाया मैंने, हमने बनाया गुलगुले और आलू का रायता, मतलब ऐसे करके काफ़ी चीज़ें बनाई, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बना दी हैं, और ऐसे करके हमने बना लिया सेलिब्रेट, मतलब नए साल, मतलब नए साल से पहले हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ आज हमने इस टाइप से सेलिब्रेट किया। और इतना सारा मतलब इतना सारा सब कुछ बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बोलना आसान है कि ये बनाए ये बनाए ये बनाए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और ये सब बन जाते हैं। और मतलब बीच में पूरियाँ रह गई हैं, वो पूरियाँ मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उसका कारण क्या है मैं पहले सफाई वगैरह कर देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मतलब सबने मतलब गुलगुले खा लिए हैं, और जो पकोड़े बनाए हैं मतलब जो कोफ्ते बनाए हैं सब्जी के उसके अंदर से जो पकोड़े निकाले थे वो पकोड़े खा लिए हैं, तो कह रहे हैं कि अभी भूख नहीं है, तो जब भूख लगेगी तब मैं खाना मतलब उनके लिए पूरियाँ फटाफट बना दूंगी। आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा कर तैयार कर लिया, आलू कराया तभी बन गया, सब कुछ बन गया है, मतलब बस सिर्फ पूरियाँ रह गई हैं, आटा लगा कर छोड़ रखा है। और फिर ये देखिए मैंने इस कमरे को सेट कर दिया, मतलब जिस कमरे में गुन्नू और चेष्टा पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ तो गुन्नू रही है, चेष्टा बाबू तो सिर्फ अपने मतलब गुन्नू को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए मतलब पढ़ रही है, उसको ये लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मतलब पता है छोटे बच्चे कैसा पढ़ते हैं, वो तो सबको ही पता होता है, मतलब वो कॉपी करते हैं, तो वो चेष्टा बाबू वैसी कॉपी कर रही है। और फिर ये देखिए इस कमरे की भी मैंने सफाई पूरी कंप्लीट कर दी है, मतलब सफाई क्या किया है सिर्फ डस्टिंग वगैरह की है, और जो बिस्तर वगैरह उसको ठीक किया, झाड़ू पोछा नहीं किया, अभी मैं ये कहती हूँ कि झाड़ू पोछा नहीं किया है सिर्फ इतना ही किया है, और उसके बाद में फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि मतलब अभी तक मतलब पूछा पूरियाँ निकाल दूँ, बोला नहीं अभी नहीं निकालनी है। और फिर गुन्नू के पापा नहाने के लिए चले जाते हैं, फिर वो पूजा पाठ कर लेते हैं, और फिर मैं बनाने लग जाती हूँ पूरियाँ, मतलब झाड़ू लगाने के बाद में, पोछा लगाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि मतलब इतना सारा करूँगी ना तब तक क्या पोछा मैं बाद में ही लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, और वो भी खाना खाने के बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मतलब सब ने कुछ ना कुछ खा लिया, मैंने नहीं खाया है, मैं खाऊंगी बाद में, मतलब जब मेरा सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद में मतलब खाऊंगी। तो मैं पूरियों का इंतजार करूँ कि मैं फटाफट पूरियों को निकाल दूँ और मेरा काम मतलब खाने पीने का कंप्लीट हो जाए। देखिए ये रहा आटा लगा दिया है, और ये देखिए तवा मतलब क्या कहते हैं कढ़ाई को चढ़ा दिया है, गुलगुले और पत्ते की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए चेष्टा बाबू खा रहा है गुलगुले, मतलब चम्मच से खा रहा है, मतलब सब हाथ से खाते हैं ये चम्मच से खा रहा है, उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, गुलगुले थोड़े गर्म हैं तो उसके हाथ न जले इसलिए वो चम्मच का यूज करके खा रही है। और फिर मैं उतारने लग जाती हूँ पूरियाँ, चेष्टा
बैठा हुआ वो मेरी मदद कर रहा है, मतलब वो एक 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 करके पूरी मेरे को पकड़ाए जा रहा है और मैं कढ़ाई के अंदर डाले जा रही हूँ। गुन्नू अपना खाना शुरू कर चुकी है क्योंकि गुन्नू ने पूरियाँ फटाफट खानी शुरू कर दी है क्योंकि गर्मा गर्म निकल रही थी कढ़ाई में से, तो फटाफट गुन्नू ने भी खा ली, गुन्नू के पापा ने भी खा ली। ज्येष्ठा बाबू का पेट भर चुका है पकौड़े और मतलब गुलगुले खाकर, वो सिर्फ मेरी मदद करा रहा है। अब भूखी रह गई हूँ मैं और मेरे बाबा जी, मतलब दो ही रह गए। कोई बात नहीं, बाबा जी को भी मैंने भोग लगा दिया था, मतलब बिस्किट का ही लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था, वो बिस्किट ही मैंने खाया था। लेकिन अब मैं दोबारा मतलब खाना खाऊंगी तो बाबा जी को पूरा भोग लगा दूंगी। मतलब जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ या घर में बनती हूँ सारी चीज़ें मैं बाबा जी को दे देते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी सारी चीज़ें हमारी दीवार के ऊपर भी रखी जाती हैं। मतलब किसके नाम की रखी जाती है, मेरे हिसाब से पितरों के नाम की रखी जाती है क्योंकि मैंने आज तक क्वेश्चन पुट नहीं किया है कि किसके नाम की है। तो मैं मेरी श्रद्धा भावना सिर्फ पितरों में रखती हूँ कि मैं पितरों के नाम की रखी जाती है। ज्येष्ठा बाबू फिर से देखिए चम्मच से ही मतलब गुलगुले फिर ले लेता है, पूरी बनकर तैयार हो गई है और फिर वो खाने लग जाता है। देखिए मतलब उसके ऊपर गर्म पूरियाँ रखी जा रही हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती है। देखिए फिर बाबू जी को सारी चीज़ों का भोग लगा देती हूँ और बाबा जी के खाने के बाद में फिर मैं खा लेती हूँ, मतलब बाबा जी को देने के बाद में ही फिर मैं खाती हूँ क्योंकि मतलब ये भी मेरी श्रद्धा भावना है कि बाबा जी को दिए बिना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, अब बर्तन रह गए हैं और यहाँ से सफाई रह गई है, पोछा रह गया है, कपड़े नहीं धुप सकते क्योंकि बादल इतने बुरी तरह से हैं और सर्दी जैसे कि पहले पड़ी थी उस दिन वाली सर्दी आज मतलब कुछ भी मतलब इतनी बुरी तरह, तो बादल और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। हाँ, ज्येष्ठा बाबू को नहला दिया है, सब नहा चुके हैं, अब मतलब यहाँ से सफाई कर दूँगी कम और मतलब राख वगैरह निकाल कर बाहर आगे रहूँगी और उसके बाद में यहाँ से धो दूँगी। लेकिन काम तो करना पड़ेगा चाहे सर्दी कितनी भी हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। मतलब बीच में थोड़ी मतलब नॉर्मल हो गए थे दिन, लेकिन आज फिर उतने ही ज़्यादा है। कल तो थोड़ी बहुत धूप निकाल दी थी तो मतलब एक भर के नहीं दो भर के कपड़े निकल गए थे, लेकिन आज तो वो भी नहीं निकल सकते। सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म है जो कि मुझे हाथ से धोनी पड़ेगी, कोई बात नहीं धो दूंगी, मतलब वैसे भी तो धोती रहती हूँ कपड़े तो हाथ से, लेकिन हाँ मतलब मशीन में धोने के लिए मैंने कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं तो उनमें से सिर्फ गुन्नू के स्कूल की यूनिफॉर्म ही धोऊंगी, ज़्यादा नहीं धोऊंगी। मतलब धूप आएगी उस दिन धो दूंगी, मतलब आज नहीं आई कल देखते हैं, मंडे को आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सबको हाथ से निकालना पड़ेगा क्योंकि फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार को कपड़े धोपेंगे, तो इसलिए देखते हैं कल का और देखते हैं क्या होता है। इतनी देर में मतलब चिम्मो आ जाता है, देखिए फिर मैं इसके साथ में मतलब मैं मेरे फ़ोन को चार्ज लगाने के लेकर जा रही थी तो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मतलब आ जा तेरे को पूरी खिलाती हूँ, मतलब पूरी नहीं खाता वो, मैंने उसको दी थी पूरी, पूरी उसने नहीं खाई पूरी, सिर्फ बिल्ली खाती है, मोटे वाला चिम्मू भी नहीं खाता है पूरी को। और ये देखिए फिर वो बदमाशी करता है, थोड़ा बहुत खेल कर फिर मैं लग जाती हूँ अपने अगले काम के ऊपर क्योंकि मतलब फिर ये पूरी नहीं खाता है, रोटियाँ मैंने बनाई नहीं है तो इसको थोड़ा बहुत दूध देती हूँ फिर वो चला जाता है। मतलब ज़्यादा खाता पीता नहीं है क्योंकि बाहर की चीज़ों के अंदर मस्त रहने लग जाता है। देखिए आज इसको खुशबू आ रही है या फिर कुछ बना क्योंकि मतलब स्मेल वगैरह तो मतलब कुत्ते को और बिल्ली को कुछ ज़्यादा ही आती है, तो ये सूंघ रही है कि यहाँ पर क्या बना था। और फिर ये देखिए ये है मतलब मेरी पूरी सफाई कंप्लीट होने के बाद में मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, आराम से अपने बाबूजी के साथ में बाइक के ऊपर खेल रहा है। मैं कह रही हूँ क्या कर रहा है, बोला इसको बैग के अंदर डाल रहा हूँ, मतलब अपने बाबूजी को बाइक के बैग के अंदर रखूँगा। मैं कह रही हूँ कैसे रखेगी, तो उसको ओपन करने की कोशिश कर रही है कि इसमें क्या है बैग के अंदर, फिर बैग के अंदर उसको कुछ नहीं दिखता लेकिन बाबूजी भी उससे बैग के अंदर नहीं डालता, मतलब ऐसे करके वो खेलती रहती है। हाँ, ज्येष्ठा बाबू जो करती है ना वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, उसको एक्टिंग वगैरह करने अभी मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की कि बाबूजी ऐसा करके दिखा, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, हो सकता है उससे एक्टिंग होती हो या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी वो नेचुरल करती है वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मेरे को अच्छी लगती है। और फिर देखिए मतलब ये बैग के अंदर देख रही है कि बाबूजी इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। और फिर ये देखिए ये मेरी पूरी सफाई पूरी नीचे की कंप्लीट हो गई है, ऊपर की मैंने आपको दिखा दी थी। मेरे बाबा जी यहाँ के ऊपर बैठ मतलब विराजित कर रखे हैं, पंखा मैंने चला रखा है और फिर भी पोछा देखिए गिल्ला है क्योंकि मतलब मौसम इतना मतलब क्या बताएं बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो सूखने का नाम नहीं ले रहा। देखिए कैसे बिल्कुल बुरी तरह से बादल आए हैं बुरी तरह से। और ये देखिए पूरी सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मेन गेट से लेकर मतलब मेन गेट के बाहर से लेकर अंदर तक, यहाँ पर गुन्नू पड़ रही है और ज्येष्ठा बाबू भी मतलब यहीं पर ही अपने बाइक के पास में अपने बाबूजी के साथ में है। और ये रात का टाइम है जब आ जाता है मोटा चिम्मू, मतलब इसको फिर मैं पूरी देती हूँ, पूरी ये नहीं खाता है। हाँ, बिल्ली खा लेती है, ना तो मोटा चिम्मू खाता है ना छोटा चिम्मू खाता है, हाँ बिल्ली खा लेती है, उसको पूरी दे देते हैं। और फिर ये देखिए क्या कर रहा है मेरा बाबूजी, एक बार मोटा चिम्मू के
पास जा रहा है, एक बार बिल्ली के पास में जा रहा है, ऐसे करके वो घूम रहा है। और फिर देखिए मोटा चिमू थोड़ी देर के बाद में चला जाता है, बिल्ली भी चली जाती है, और मतलब छोटा मतलब छोटे वाला चिमू नहीं आता है। मैं ये कहूँ कि छोटा चिमू आता नहीं आता है, और नया वाला चिमू तो बेचारा मर ही चुका है। और ये देखिए ऐसे करके चक्कर काट रही है। और फिर मैं दे देती हूँ बाबा जी को रात का खाना। और ये हमारे पितरों की जोत जो कि हर शाम को जलती है, जय पितर देव। ये है मेरे बाबा जी का रात का खाना, फिर बाबा जी को सुला देती हूँ के बाद।